सो गाइस, जोहार महेश सुखदेव ब्लॉग स्वागत करते हैं सुखदेव ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल में। तो अभी है पर डालडन में उपस्थित है यहाँ पर बस स्टेशन में। तो यहाँ पर है ना डालडन में आज है कि श्री चैंपा सोरेन हमारे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। तो बहुत ही कठिनाई से यार इधर उधर गली में डलाते हुए इधर आए हुए, ठीक ना। यहाँ पर बस स्टेशन में भी उपस्थित है, यहाँ पर भी जा रहे हैं बिहार, थोड़ा सा घुमाते हैं आप लोग। तो वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा, चली ले करके चलते हैं। थोड़ा एक आजकल बोलने के लिए थोड़ा सा ही कर दिया है ना, थोड़ा तबीयत खराब थे चलते हुए, थोड़ा है कि ब्लॉग बनाने के लिए छोड़ दिए एक महीना से। तो थोड़ा है कि पूरा बोलने के लिए उतना फास्ट पहले जैसा था ना, हल्का नॉर्मल हो गया है। तो चलिए वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। यहाँ पर करते हैं बस का वेट, बस का वेट करते हैं, उसके बाद बस आ जाती है फिर बैठ जाते हैं जाके बस में। बहुत भयानक शानदार एकदम है यार, एसी वाला बस है, इसमें बैठ जाते हैं, बस में बैठते हैं, उसके बाद सवारी पूरा खाली इधर है पूरा, उसके बाद बैठ जाते हैं। उसके बाद है कि यहाँ पर निकलती है बस धीरे धीरे यहाँ से डालटनगंज से यहाँ पर बस निकलती है और है कि सफ़र करने लगते हैं। तो यहाँ पर है कि थोड़ा सा आप लोग को दिख रहा होगा पूरा एकदम अगल बगल, तो यहाँ पर है ना बैठ चुका है, उसके बाद बैठते हैं, उसके बाद एक सफ़र करते करते यहाँ पर एकदम दिख रहा होगा हरा। वो हरा इसलिए दिख रहा ना क्योंकि है कि शीशा लगा हुआ, इस चलते हैं थोड़ा सा ग्रीन दिख रहा होगा। और देखिए यहाँ पर पूरा पत्थल उथल दिख रहा होगा यार, इधर फोर लाइन रास्ता बन रहा है, चलते हैं थोड़ा सा इधर दिख रहा है। उसके बाद देखिए फिर हम यहाँ पर दिख रहे हैं थोड़ा सा एकदम पूरा एकदम बोर लगने लगा, ठीक ना, बैठ ले बैठ लो। उसके बाद है कि यहाँ पर दिख रहा होगा पूरा एकदम थोड़ा सा मस्ती शुरू लगा। उसके बाद देखिए सुनने में आता है बहुत प्लेन जगह है, चलिए आप लोग बताएंगे वहाँ पर पहुँच कर किस तरह है क्या है। सो दोस्त ये वाला है ना, देख हमको लगा कि ना बिहार पहुंच गए, लेकिन है कि बिहार नहीं है, है कि ये है झारखंड ही, ये झारखंड ही है छतरपुर कुछ देर। सो गाइस ये दिख रहा ना, ये सब छतरपुर है यार, दिख रहा होगा छतरपुर, ये पड़ता छतरपुर, छतरपुर थाना यहाँ पर लिखा दिख रहा होगा। यस ये जो पथल पहाड़ दिख रहा है ना ये झारखंड में ही है। और कुछ देर आगे जैसे कि लगभग यहाँ से 10 किलोमीटर आगे जाइएगा ना तो वहाँ से जापला मोड़ बोलते हैं, उसके बाद आगे है एक बिहार का बॉर्डर पड़ता है जापला मोड़ जिसको बोलते हैं ना, वो है कि वहाँ से 20 किलोमीटर एकदम पश्चिम साइड में जाना होगा, वहाँ से जापला पड़ता है। और है कि बिहार हम पहले सोचता था ना कि बिहार पड़ता है मेरा घर से पश्चिम साइड में, लेकिन पश्चिम साइड उत्तर प्रदेश उस गए थे वहाँ पर, तो आप लोग ब्लॉग डाले हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, लिंक दे देंगे। और ये वाला है ना बिहार जो हम लोग घर तरफ से यहाँ उत्तर साइड में पड़ता है, क्या आज आए ना तब पता चला। और है कि झारखंड बहुत दूर है यार डालनगंज से, हम सोचते थे ना गाढ़वा तरफ से आए थे इधर उत्तर प्रदेश से, हाँ गाढ़वा से लगभग 40 किलोमीटर दूर था उसका नगर उटारे बोलते हैं कि, हाँ नगर उटारे, उसके बाद उधर था आगे उत्तर प्रदेश। और है कि इधर यहाँ से जो डालटनगंज से बहुत दूर इधर आने उसके बाद है कि पहुँचे हम उत्तर प्रदेश। और ये पथल पहाड़ आप लोग दिख रहा होगा, ठीक ना, ये पहुँच गए बिहार पहुँचे, देखिए हरा भरा पूरा दिख रहा होगा, ये सब बिहार का सैंपल जगह, बहुत प्लेन है यार क्या बोले। उसके बाद पहुँच गए हरिहरगंज बाजार जो कि बस जो अभी क्रॉस किए ना वो हरियर गंज था, अब स्कूल दिखेगा, एग्जाम गम चल रहा है पूरा सटा हुआ है हरियरगंज। सो गाइस ये सब जो दिख रहा है ना ये सब बिहार का नज़ारा है, दिख रहा होगा पूरा जबरदस्त सुपर मस्त पूरा अच्छा ही दिख रहा है पूरा प्लेन जगह। यहाँ पर एक बिहार में हम फर्स्ट बार आए हुए हैं, इधर थोड़ा सा घूम लेते आगे है ना, वो साइड जो दिख रहा है दूर में जो पहाड़ दिख रहा है ना आगे बहुत बड़ा, वहाँ कौन सा कहे कि GST का जो बहुत बड़ा थी है पार्क है कोची का बहुत मस्त उसको। सो दोस्तों ये बिहार का औरंगाबाद में उपस्थित है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट पड़ता है यहाँ पर। और बस पूरा खाली हो गया, सिर्फ अकेले मतलब 4-5 आदमी यहाँ पर बचे बस में, और आगे जाएगा स्टेशन औरंगाबाद, मतलब मेन स्टेशन में इधर कोई होता है ना जैसे उतरने के लिए यात्री प्रॉब्लम वैसा भी नहीं है, इसमें सिंपल ही ऊपर सब उतर गया उसके बाद, क्योंकि आगे जाते हैं कुछ कुछ है बचल में, चलिए आगे और आप लोग शेयर कराते हैं। ये जो देख रहे औरंगाबाद जगह मेन जो यात्री बस स्टेशन था अंदर था वहाँ पर, वहाँ पर नहीं रुकी पता नहीं क्या है अंदर किया आगे, पटना कितना किलोमीटर है आगे दिखा रहा है नहीं पटना, वो सीधा वाला रास्ता जाता है, उसके बाद देखिए देहरी ऑनसोन डोबी आगे पर लग रहा है उधर काम हो रहा है, फोर लाइन पुराना है यार यहाँ पर। फिर देखिए मंदिर यहाँ पर और इधर बस, और एक वो लंबा चलने वाला होता है ना वो वहाँ वो बस रुकता है, ये वाला शॉर्टकट ना मतलब है कि ये वाला नहीं सो है कि जो स्टेशन होता है ना बस के स्पेशल वहाँ पर ही नहीं रुकी।
ये औरंगाबाद के टेंगरा प्रखंड पड़ता है कि विलेज पड़ता है पता नहीं, इधर दिखेगा इधर नहर और बैक साइड में उधर बस फैक्ट्री उस साइड है, और एक उधर लेके जाते हैं और आगे क्या है कैसा है करते हैं। सो गाइस बैक साइड पूरा हरा भरा दिख रहा होगा ना, ये है गेहूं और इधर नहर तो है ही है, जो वहां से पैदल आ रहे हैं सिर्फ नहर नहर, पीछे साइड पूरा नहर ही दिख रहा होगा और चारों तरफ हरा भरा यार पूरा समथिल जगह, क्या बोले मतलब चारों तरफ समथिल है। मेरा घर तरफ है ना ऊंच नीच पहाड़ पर्वत इस तरह, मतलब कुछ दूर तक है एक पूरा झारखंड जहाँ तक पड़ा ना वहाँ तक, मैंने और आगे पार हो गए तब तक पूरा पहाड़ था, उसके बाद है कि वहाँ से पूरा समथिल इधर जहाँ पर देख रहे हैं ना चारों तरफ पूरा प्लेन दिख रहा है, पूरा पानी पूरा भरपूर जा रहा है यार। और इधर देखिए और आगे आप लोग दिखा देते हैं, थोड़ा सा खेत तरफ घुसेंगे उधर दिखाएंगे आप लोग, तो वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। यस देखिए दिख रहा होगा पूरा पानी यार भरपूर आ रहा है उधर देखिए। सो गाइस आज है नेक्स्ट डे, नज़ारा देख लीजिए, यहाँ पर एक मेरा पार्टनर है ठीक ना दोस्त, उसी की यहाँ आज रह गए थे, आज है कि शाम में आज निकल जाएंगे घर की ओर, तो इधर थोड़ा सा नज़ारा बहुत ही एकदम सिंपल जगह, पूरा प्लेन है यार क्या बोले, मतलब इतना प्लेन ही है ना, इधर मेरा घर तरफ है कि ऊंचा नीचा, और इधर पूरा एकदम पानी बरसा तो लगता है चलेंगे ना रास्ता में, इधर गाँव में तो पूरा है कि पैर से चटक जाता है पूरा नगड़ा माटी जिसको बोलते हैं, इधर ही थे पूरा घूमे हुए पूरा फिरे और आज निकल जाएंगे घर की ओर, तो वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा आप लोग दिखाते हैं और नज़ारा। देख सकते हैं दोस्त उधर का नज़ारा देखिए, यस क्या बोलते हैं, अब आगे जाते हैं ना थोड़ा दिखाते हैं आप लोग, इधर जो क्या बोलते हैं यार इसको चिपड़ी हम लोग घर तरफ बोलते हैं ना वही अल्लाह है ना, कि यहाँ पर किस तरह रखा जाते हैं देखिए, यस यहाँ पर दिख रहा है इधर यहाँ मछली वछली डालता है इसमें, पूरा लगल है इधर उधर पूरा खेत में, हम इधर जा रहे हैं यस देखिए इधर घर पूरा गाँव ये है। सो दोस्त मेरा है ना घूमल हो गया ठीक है ना, घूमल हो चुका है, तो आज निकलेंगे घर की ओर, आप जा रहे हैं निकलते हैं कुछ देर, मतलब क्या बोलते हैं कुछ देर आप निकल जाएंगे घर की ओर, तो वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। चलिए आप लोग दिखाते हैं और थोड़ा सा नज़ारा देखिए, पूरा सिंपल है पूरा प्लेन, देखने मज़ा आ गया थोड़ा सा, लेकिन है कि थोड़ा सा हर जगह कुछ अच्छा रहता है तो कुछ ख़राब ही रहता है उसी हिसाब, हर जगह हम लोग जैसा है उससे बहुत अंतर है यार, पूरा प्लेन जगह मिलेगा और हम लोग है कि थोड़ा सा ऊंचा नीचा जिस तरह रहता है, तो चलिए और घुमाते हैं आप लोग। पर जिसको घर रुके हुए हैं ना वो लड़का बोला थोड़ा सा चलिए ना, उधर ट्रैक्टर चल रहा है उधर धान बुड़ा रहा है थोड़ा सा तेल देना है, तो यहाँ पर चल जाते हैं पेट्रोल पंप तेल लेते हैं, वहाँ से ज़्यादा नहीं 20 लीटर लेते हैं, उसके बाद है कि लेते हैं वहाँ पर, उसके बाद है कि पहुँच जाते हैं ट्रैक्टर जहाँ धान कुटाते हैं वहाँ पर पहुँच जाते हैं उसका तेल देते हैं। यहाँ पर है ना धान कुटा रहा था, यहाँ पर बोला कि चल रही है थोड़ा सा पहुँचा दीजिए, आ गए साथ है यार यहाँ पर तेल लेकर, तो गाइस हम अभी बैठे हुए हैं पोरा के गांज में, तो यहाँ पर है ना आज जाने का प्लानिंग था, बस वो बंदा था कि बोल रहा है कि नहीं आज मत जाओ कल है ना कि जाएंगे साथ में डाल्टनगंज तरफ, तो सोचे कि रुक जाते हैं थोड़ा सा कल साथ में चल जाएंगे, चलते हैं थोड़ा आज रुक गए, और यहाँ पर जहाँ पर बैठे ना बैक साइड में आप लोग देखाएँ पूरा हरा भरा यार पूरा चारों तरफ गोहम पूरा एकदम पूरा बोया हुआ है, और यहाँ पर एक पूरा धान ही धान पूरा होता है चारों तरफ, उसके बाद है कि गहम खिंच जाना होता है गहम होता है, और कम सम राय दिख रहा है हम लोग घर तरफ तो राय सब टोटल चीज़ होता है थोड़ा बहुत होता है, लेकिन इधर ज़्यादातर धान होगा और गेहूं ज़्यादातर होता है, दिखाते हैं बैक साइड में गेहूं और धान ज़्यादा होता है, देखिए बैक साइड में थोड़ा सा। सो गाइस जहाँ पर बैठे हैं ना यहाँ से दिखा रहे हैं थोड़ा सा, देखिए दिख रहा हो गेहूं और पूरा समथिल जगह सूरज डूबने वाली उधर है, और यहाँ जहाँ पर बैठे वहीं से दिखा रहे हैं, दिख रहा होगा अच्छा पूरा एकदम मस्त ब्यूटीफुल चारों तरफ, लेकिन है कि पसंद लग रहा है बट है कि कुछ कुछ चीज़ नहीं पसंद लग रहा है यहाँ पर।